अभी तक हमने देखा कि जुलाई सन 1780 में हैदर अली ने अरकाट पर हमला कर दिया। इस तरह से दूसरे एंग्लो मैसूर संग्राम का पहला चरण समाप्त हुआ, जिसमें मद्रास की सेना को मैसूर ने मसल कर रख दिया। तो हेक्टर मुनरो के निर्देशन में मद्रास सेना की पूर्ण विफलता के बाद हेक्टर मुनरो की जगह ले ली आयर कूट ने, जिसके जौहर हम तीसरे कार्नाटिक संग्राम में देख चुके हैं कि कैसे उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ दिया। अब कूट की कूटनीति और रणनीति देखिए। नवंबर सन 1780 में कंपनी की बंगाल सेना के एक दस्ते के साथ कूट मद्रास पहुंचा। इस दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र में कुदरतन इन महीनों में बरसात होती है। इसी बरसात की आड़ में कूट ने बड़ी होशियारी से मद्रास सेना की सारी खामियों को उजागर होने से बचा लिया और चुपचाप सारी दरारें भर दी। उसने दो महीने तक युद्ध की पूरी तैयारी की और सेना को मैलापुर यानी सेन थॉम में एकत्रित किया। ये अभी तक के इतिहास में भारत में सबसे मजबूत अंग्रेज सेना एकत्रित हुई थी। इससे पहले तो इसकी कभी नौबत ही नहीं आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि हैदर और टीपू का कितना खौफ होगा। मद्रास से सैकड़ों मील उत्तर में गुंटूर में कर्नल पियर्स भी अपनी एक मजबूत सेना के साथ मौजूद था। कर्नल पियर्स की सेना का किस्सा आपने पहले एंग्लो मराठा संग्राम की वीडियो में देखा था। कर्नल पियर्स उत्तरी सरकार पार करके गुंटूर पहुंचा तो उसे निर्देश मिले कि वो कूट की मदद के लिए जल्द से जल्द मद्रास पहुंचे, और पश्चिमी तट पर तेलीचेरी की घेराबंदी चल रही थी। बंबई और सूरत की अंग्रेज सेनाओं ने दिसंबर सन 1780 में वसई का मजबूत किला मराठों से झपट लिया। तो अब समंदर की तरफ से अंग्रेजों को मराठों से कोई खतरा नहीं था। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए एडमिरल एडवर्ड ह्यूज की कमान में एक नौसेना मद्रास की मदद के लिए चल पड़ी। दिसंबर सन 1780 में एडमिरल ह्यूज के इस नौसैनिक बेड़े ने मंगलौर और कालीकट के बंदरगाहों पर छापे मारकर मैसूर की नौसेना की कमर तोड़ दी। इससे तेलीचेरी की घेराबंदी कुछ कमजोर हुई। फिर ह्यूज का बेड़ा त्रावणकोर और श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए सन 1781 के अप्रैल या मई में मद्रास पहुंचने वाला था। उधर सेन थॉम में सारी तैयारी कर लेने के बाद आयर कूट ने 17 जनवरी सन 1781 को मद्रास से दक्षिण की ओर कूच किया ताकि इन तटवर्ती इलाकों को हैदर के शिकंजे से छुड़ाया जा सके और हैदर को समुद्र के रास्ते से कोई मदद न मिल सके, खास करके फ्रांसीसी नौसेना की मदद जो अभी इस क्षेत्र के समंदर में मंडरा रही थी। तो 2-3 दिन के अंदर ही कूट की सेना 65 किलोमीटर का सफर तय कर गई और उसने चेंगालपट्टू से आगे निकलकर पड़ाव डाला। 2 दिन बाद कूट ने एक पलटन भेजकर करंगुली का किला मैसूर से छीन लिया। करंगुली के बाद अब कूट के निशाने पर था वेंडीवॉश यानी वंदवासी, वही वेंडीवॉश जहां उसने तब से 21 साल पहले भारत में फ्रांसीसी सेना की कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब की बार हैदर अली से मुकाबला था। कूट और हैदर दोनों लगभग 60 वर्ष के थे। हैदर ने वेंडीवॉश यानी वंदवासी को 2 महीने से घेर रखा था। वंदवासी में तैनात कंपनी के अफसर फ्लिंट ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई और इस किले को हैदर के हाथ में जाने से बार बार बचाया। और अब कूट के आते ही सारा खेल पलट गया। हैदर ने वंदवासी की घेराबंदी खत्म कर दी। कैसा लग रहा होगा आयर कूट को 21 साल बाद उसी जगह धमाकेदार वापसी, ये बात कूट की डायरी और चिट्ठियों में साफ झलकती है। अब तक यानी फरवरी सन 1781 की शुरुआत में एक फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़ा पौंडीचेरी के पास पहुंच गया था और जमीन पर मैसूर की एक सेना उसकी मदद के लिए चली आ रही थी। कूट को अगर जीतना था तो उसके लिए इन दोनों को जुड़ने से पहले रोकना बहुत जरूरी था। तो कूट ने मुनरो को भेजकर कडलूर तक का रास्ता साफ कर लिया। इस सिलसिले में पेरुमुक्कल यानी परमाकोइल भी कंपनी के कब्जे में आ गया और उसके बाद कूट ने पौंडीचेरी का रास्ता पकड़ा। कूट के आते ही फ्रांसीसी नौसेना ने वो जगह छोड़ दी और कूट और मैसूर की सेना के बीच कुछ मुठभेड़े हुई, जिसके बाद मैसूर की ये पलटने पौंडीचेरी और कडलूर छोड़कर लौट गई। 3 महीने तक कूट ने कडलूर में ही डेरा डाले रहा। मई सन 1781 में एडमिरल ह्यूज भी श्रीलंका का चक्कर काटकर कूट की मदद के लिए कडलूर पहुंच चुका था। ह्यूज के साथ बंबई से भी कुछ सेना आई थी। तो यहां कडलूर में इतिहास में पहली बार बंगाल, मद्रास और बंबई की सेनाएं एकत्रित हुई थी। अब कूट के निशाने पर था चिदंबरम, जहां से हैदर अली को समुद्र के रास्ते मदद मिलती थी और वहां पर उसने हथियार, असला, बारूद का एक बड़ा जखीरा बनाकर रखा था। तो समुन्दर के पास चिदंबरम के अलावा अरकाट के दक्षिण में अरनी का किला भी हैदर के इन अभियानों में गोदाम का काम कर रहा था। सारा गोला, बारूद, हथियार इन दो जगहों पर जमा रहते थे। अब तक हैदर अली और टीपू वेल्लूर की घेराबंदी में उलझे हुए थे, जहां कर्नल लैंग इनका मुकाबला कर रहा था। पर मई सन 1781 में हैदर ने तंजौर राज्य पर हमला कर दिया
मैसूर की सेना ने तंजौर राज्य में तबाही मचा दी। इस हमले से इस इलाके में यानी कावेरी के मुहाने के क्षेत्र में कावेरी डेल्टा में जो अकाल और भुखमरी का आलम शुरू हुआ उसे इतिहास भी नहीं भुला पाया। इस मुश्किल समय को आज भी यहां पर हैदर कालम के नाम से जाना जाता है। ये एक विवादास्पद कदम था जिसे झुठला पाना असंभव है। तो जब हैदर तंजौर राज्य में तबाही मचा रहा था तब टीपू ने वेंडीवॉश को फिर से घेर लिया। उसके बाद हैदर समुद्र तट की ओर चल पड़ा कूट को टक्कर देने और समुद्री रास्ते को बहाल करने। हैदर चिदंबरम पहुंचा जहां भारी मात्रा में उसके हथियार गोला बारूद वगैरह जमा थे। कूट भी ठीक इसी समय चिदंबरम पर हमला करना चाहता था। तो जून सन 1781 में कूट ने चिदंबरम पर चढ़ाई कर दी लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। कूट को हारकर पीछे की ओर हटना पड़ा। ये थी हैदर अली और आयर कूट की जीवन में पहली बार टक्कर। ऐसा लग रहा था कि मैसूर की जीत का यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। कूट ने चिदंबरम के पास परांगीपेट्टई यानी पोर्टो नोवो बंदरगाह के पास डेरा डाला। हैदर भी पास में ही था। उसने कड्डलूर और कूट के बीच का रास्ता रोक लिया और इस तरह से उसने कूट को लगभग घेर लिया। इससे कूट की रसद पानी का रास्ता कट गया। फिर जब कूट के पास कुल केवल 4 दिन का राशन बच गया तो उसे जरूरत महसूस हुई कि वो हैदर पर हमला करके घेराबंदी तोड़ दे। पर इससे पहले ही हैदर अली ने हमला बोल दिया। 1 जुलाई सन 1781 के दिन हैदर अली और आयर कूट के बीच पोर्टो नोवो की घमासान लड़ाई हुई। ये था परांगीपेट्टई या पोर्टो नोवो का ऐतिहासिक युद्ध। इसमें वो हुआ जिसकी हैदर को कतई उम्मीद नहीं थी। आयर कूट ने हैदर अली को बुरी तरह से और निर्णायक रूप से हरा दिया। इस जंग में भारी नुकसान उठाकर हैदर को समुद्री तट छोड़कर वेल्लूर और अरकाट की ओर लौटना पड़ा। कूट से मिल रहे दबाव के कारण टीपू को भी वंदवासी का घेरा खत्म करना पड़ा ताकि वो हैदर की मदद के लिए वेल्लूर और मद्रास के बीच पहुंच सके। इस तरह से तंजौर का क्षेत्र और अरकाट राज्य के दक्षिण के किले मैसूर से लगभग मुक्त हो गए। अब तक हैदर अपनी हार को संयोग मात्र समझ रहा था। वैसे भी वो मद्रास से काफी दूर लड़ रहा था और हैदर की मदद के लिए फ्रांसीसी बेड़ा कभी भी आकर एडमिरल ह्यूज के अंग्रेजी बेड़े को समंदर में उलझा सकता था जिससे कूट जमीन पर ही घिर कर रह जाता। तो उसने सोचा कि कूट को एक बार फिर से टक्कर दी जाए। अब हैदर को अरकाट और पोर्टो नोवो के बीच में कहीं कूट को रोकने के लिए अपनी जगह लेनी थी। तो हैदर ने उसी पुल्लालूर या पोलीलूर या पेरम्बक्कम का मैदान चुना जहां पिछले ही साल टीपू ने बेले को बुरी तरह से हराया था। इस तरह हैदर ने पेरम्बक्कम में डेरा डाला और टीपू को भेज दिया कर्नल पियर्स के स्वागत के लिए जो कि कूट की मदद के लिए गुंटूर से चला आ रहा था। कर्नल पियर्स ने बंगाल से चलकर मराठा राज्य पार करके गुंटूर तक का सफर कैसे तय किया ये हमने पहले एंग्लो मराठा वॉर के वीडियो में देखा था। तो अब पियर्स कूट की मदद के लिए मद्रास आ रहा था और कूट और पियर्स मद्रास के उत्तर में पुलिकट में मिलने वाले थे। उसको रास्ते में ही रोकने के लिए मद्रास के पास गुम्मीदी पुंडी में टीपू घात लगाए बैठा था। आंख मिचोली के इस खेल में पियर्स ने टीपू को चकमा देते हुए पुलिकट झील के बाहरी किनारे का रास्ता पकड़ा और टीपू की नजरों से बचते हुए अगस्त सन 1781 में वो मद्रास पहुंचा और बेचारा टीपू पियर्स का इंतजार ही करता रह गया। इस तरह से बिना एक भी सिपाही खोए पियर्स ने यह कठिन सफर तय किया और इससे मद्रास के मोर्चे की बिसात ही पलट गई। जब टीपू को पियर्स के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो वेंडीवॉश ही जीत लेते। वेंडीवॉश को बेकार में ही छोड़कर आ गए। इसीलिए वो हताश होकर वेल्लूर लौट गया और वहां उसने घेराबंदी जारी रखी। हैदर इस समय पेरम्बक्कम यानी पुल्लालूर में था। तो पियर्स और कूट की सेनाएं पुल्लालूर के पास मिली और वहां जमे बैठे हैदर अली पर टूट पड़ी। यहीं पर साल भर पहले टीपू ने अंग्रेजों को भारत में उनकी सबसे बड़ी हार दिखाई थी। लेकिन 27 अगस्त सन 1781 के दिन लड़ी गई इस पोलीलूर की दूसरी लड़ाई में आयर कूट ने हैदर अली को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि कूट ने खुद ने भी काफी नुकसान उठाया। इस घटना के बाद हैदर वेल्लूर चला गया और कूट मद्रास लौट गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है लेकिन ज्यादा नुकसान हैदर का हुआ था। बहरहाल अब तक वेल्लूर में तैनात कंपनी की टुकड़ी की काफी गंभीर हालत हो चुकी थी। पूरे 1 साल से कर्नल लैंग घिरा पड़ा था। अब वो पूरी तरह से कुंभला गया था। किसी भी समय वो हथियार डाल सकता था। तो कर्नल लैंग को बचाने के लिए सितंबर में आयर कूट वेल्लूर की तरफ चल पड़ा। हैदर ने कूट को रास्ते में ही रोकना बेहतर समझा। फिर हुई 27 सितंबर सन 1781 को शोलिंगूर की बड़ी लड़ाई।
दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ और इस लड़ाई में भी दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। लेकिन यहां भी ज्यादा नुकसान हैदर का ही हुआ और कूट अपने दो मकसदों में कामयाब हो गया। एक तो उसने सफलतापूर्वक बेलूर तक रसद, पानी, राहत सामग्री, गोला बारूद वगैरह पहुंचा दिया और दूसरी तरफ उसके आक्रमण से हैदर का ध्यान भट गया। कर्नल लैंग को वेलूर छोड़कर भाग जाने में आसानी हुई। लैंग के वेलूर से निकलते ही अब इस घेराबंदी का कोई मतलब नहीं रह गया था, उल्टा खर्चा ही बढ़ता जाता, तो वेलूर की घेराबंदी अनौपचारिक रूप से खत्म हो गई। अरकाट के उत्तर में चित्तूर जिला है जहां के पालीगार हैदर की मदद कर सकते थे, तो दिसंबर सन 1781 में हैदर ने टीपू को अरकाट से 30 मील उत्तर में चित्तूर भेज दिया। टीपू ने चित्तूर पर कब्जा कर लिया। चित्तूर के पालीगारों से टीपू और हैदर को अंग्रेजों के खिलाफ मदद का आश्वासन मिला और चित्तूर भी मैसूर के प्रभाव में आ गया। इतने में ही जैसे कि कुदरत जख्मों पर नमक छिड़कने पर आमदा हो, दो अलग अलग दिशाओं से दो अलग अलग खबरें आई। एक खबर हैदर के लिए अच्छी थी और दूसरी अंग्रेजों के लिए अच्छी थी। इसे हम आगे देखेंगे।